आज जो दो नए प्रोजेक्ट शुरू किए गए उसमें सबसे पहले जो हमारे वेंडिंग जोन है, वेंडिंग जोन के अंदर टॉयलेट नहीं थे, हमने वहां टॉयलेट देने का निर्णय किया। उसके पश्चात ये सेक्टर 6 की सारी सी रोड जो है लगभग 2.5 करोड़ रुपए की लागत से उसका आज हमने उद्घाटन किया है और मुझे उम्मीद है कि वो 15-20 दिन के अंदर बनकर के सभी तैयार हो जाएंगे। अभी कुछ दिन पहले हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी एक रैली को संबोधित करने आए थे, उस दिन 320 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट उनका शिलान्यास या जो इनॉग्रेशन था उन्होंने किया और उसी दिन लगभग 550 करोड़ की और नई सौगात वो पंचकूला के लोगों को देकर के आए। और उसके पश्चात एक तरफ तो प्रदेश सरकार पंचकूला के विकास के लिए कृत संकल्पित है, दूसरी तरफ हमारे मेयर नगर निगम पंचकूला श्री कुलभूषण गोयल जी जब से मेयर बने हर रोज एक नई सौगात, एक नया प्रोजेक्ट, एक नई सोच के साथ पंचकूला को आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। उसके साथ साथ आज जो एक सिंथेटिक पार्क उसका भी इनॉग्रेशन हुआ, शायद ये चंडीगढ़ के अंदर या पंचकूला के अंदर पहला पार्क। हमने ये तय किया है कि हर सेक्टर के अंदर एक पार्क जो है उसके अंदर सिंथेटिक पाथ जो है वो बनेगा, ताकि जो हमारे सीनियर सिटीजन्स हैं या जो भी सुबह सैर करने वाले लोग हैं, शाम को सैर करने वाले लोग हैं, सैर करते समय उनको किसी प्रकार का कोई कष्ट ना हो। और उसके साथ साथ आज ये जो वेंडिंग जोन के साथ साथ आज हमने नाइट फूड स्ट्रीट जो बहुत सारे शहरों में पहले कॉन्सेप्ट है, हमने पंचकूला के अंदर 4 स्थानों के ऊपर नाइट फूड स्ट्रीट शुरू करने का निर्णय किया है और उसमें से आज ये सेक्टर जो 6 है एमडीसी पांच के अंदर ये फूड स्ट्रीट का हमने इनॉग्रेशन किया है। हर फूड स्ट्रीट के ऊपर लगभग 45 लाख रुपए की लागत आएगी। इसके बारे में बाकी कुछ फॉर्मेलिटीज हैं जो तय की जाएंगी, लेकिन एक बार ये जो प्रोजेक्ट बनकर के तैयार हो जाएगा तो एक नई तरह का जो एक हम चाहते हैं कि पंचकूला वाइब्रेंट पंचकूला